सुभद्रा चौहान के सन 57 के लिखे गए काव्य को मैं जरूर चार पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। सुभद्रा चौहान ने कहा है, इस स्वतंत्रता महायुद्ध में कई वीरवर आए काम, नाना धंधुपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गण गगन में अमर रहेंगे इसके नाम। मैं वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया हूँ। बहुत छोटा था जब मेरे घर पर इतिहास पढ़ाने के लिए गुरुजी रखे थे, उन्होंने बाबू कुंवर सिंह के हौसले और वीरता की बात पढ़ाई थी, तब भी 7-8 साल का बच्चा था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आज जब ये लाखों लाखों लोग बाबू कुंवर सिंह को तिरंगा लेकर श्रद्धांजलि देने आए हैं, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक आदमी कैसा था कि शहीद होने के 163 साल बाद भी आज लाखों लाखों लोग उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इस चिलचिलाती धूप में आए। मैं मेरे भाषण के अंत में सुभद्रा चौहान के सन 57 के लिखे गए काव्य को मैं जरूर चार पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। सुभद्रा चौहान ने कहा है, इस स्वतंत्रता महायुद्ध में कई वीरवर आए काम, नाना धंधुपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गण गगन में अमर रहेंगे इसके नाम। मित्रों, कुंवर सिंह बाबू ने इतिहास ने जो अन्याय किया होगा, आज भी 150-250 साल के आसपास होने को आए, आज जो जनता में उनके लिए भाव है वो देखकर मैं कह रहा हूं, जब तक भारत का नाम रहेगा बाबू कुंवर सिंह जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहने वाला है। फिर से एक बार आप सभी को एक महान योद्धा और अपने जान की परवाह न करने वाले बलिदानी वीर के लिए आप सब यहां पर आए हैं, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर नमन करता हूं।